अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने जो छत पे एक रूम है, हमने स्टोर बनाया उस पर है, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारी कैट्स हैं स्नो और ब्लैको, वो मौजूद है। ये ब्लैको है, ये पहले घर में थी, नीचे थी, मैं तंग बहुत ज़्यादा करती थी, फिर इनको मैं ऊपर ले आया। ये बहुत प्लेफुल है, माशाल्लाह से खेलनी है अभी और हमारे साथ खेलेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको भी भूख लगी हुई बहुत ज़्यादा, इनको भी खिलाएंगे। वो देखें, वो वाइटो है, ये इसने पीछे किया और उसके ऊपर ये पानी डाल रही है, चेक करें आप। बहुत ही समझदार बिल्लियाँ हैं और बड़ी समझदारी से बिल्कुल गंद नहीं डालती है, चेक करें आप। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जानवर भी बहुत समझदार होता है। ये अपने जिस तरह हम अपने किए पे पानी डालते हैं, इसी तरह ये भी अपने किए पे पानी डाल रही है। इसके बाद पानी तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये रेत मैंने रखी हुई है, ड्राई रेत होती है ये, कुछ भी करके लीटर बॉक्स है बेसिकली इनका ना, ये उसमें चीज़ें डाल देती है। इनको हम अभी खुराक थोड़ी सी डालेंगे इनकी। अम्मत आप इस तरह करें, वो खोलें वो वाला मिडल वाला जो है केबन, ये मैं बस केज बना हुआ था रैबिट्स के लिए, जाए मिडल वाला केबन खोलें, लेके आए इधर मेरे पास, उस तरफ से खोलें। यदि ये शाहजहान ने ये पकड़ा हुआ है, ठीक है, अभी इनको हम फीड डालेंगे, ठीक है। वो जैसे वो कैटल जो है ना, वो बड़ा किसी भी किया, उसको वो छुपा रही है, तो पानी डाल। आ जाओ इधर आओ, पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, अभी देखो कैसे आएंगे ये लोग। आ जाओ पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, इन्होंने खाना भी है, इनको खाना वगैरह हम डाल देंगे। आ जाओ कैटो, ये इनकी फीड होती है, देखिए छोटे से ये दाने हैं, दाने हैं, बिस्किट टाइप बने होते हैं, इन्होंने यही खाने। ये इसका डब्बा है, ये उसका डब्बा है, दोनों सेपरेट बैठ के खाएंगे। बहुत ही बड़े कैट्स है हमारी, ठीक है, बच्चे भी बड़े खुश से खेल रहे हैं, और ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, ये खा रही है नाम से, चेक करें। ये हमारे पास ना और शाहजहान, अभी और नहीं डालना बेटा, मैंने डाल दिया उनको शाहजहान, मैंने डाल दिया उनको, ठीक है। ये देखें इन्होंने यहाँ पे लीटर बॉक्स में जो भी कार्रवाई डालनी थी डाल दी, तो पानी डाल दिया, पानी सॉरी बार बार पानी चले गए, हम पानी डालते इन्होंने रेत ऊपर डाल दिया। चले ये आप डोर ओपन करें, ये खा रही है, जब तक ये खाते हैं इन्होंने बाहर भी खेलना भी हमारे साथ, जब तक ये खाती हैं तब तक हम इनको इस तरह करते हैं कि मुर्गियों को करते हैं। उसमें बाल्टी में पानी लेके आए जल्दी से, जल्दी जल्दी करें। ये बाल्टी, ये वाली बाल्टी इधर पड़ी है, देखें जी इन्होंने खा लिया है, काफ़ी हद तक खा ली, काफ़ी छोड़ दी इन्होंने, बाकी ये भी पता नहीं कहाँ पर गई है। ये बैठी हुई है, एक ये बैठी हुई, आ जाओ पर आ जाओ ब्लैक वाली की तरफ, वो ब्लैक वाली देखिए किधर फिर रही है, वो चेक करें इसका, आप देखें अट्रैक्शन चेक करें, फुल ब्लैक है। चलो 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 भागो भागो भागो, अब मैं इनको मुर्गियों को छोड़ूंगा, फिर इनका देखना ये कैसे भागेगी और मुर्गियाँ कैसे भागेंगी। अंडों पे बैठाई हुई वो वाली मुर्गी, वो चेक करें आप माशाल्लाह से। ये इसको शाम को अंडों पे बैठाएंगे हम, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये वाली मुर्गी है, मेरा फेस भी लेके आ, बाहर निकाल देते हैं। चलो चलो इसको भी निकाल देते हैं। इनको दाना डालना है, अभी दाना निकालना है। वो लेके आओ अमित, वो पकड़ो, इसमें इनको ये दाना डालते हैं, और एक में हम पानी डाल देते हैं। पानी में डबल लगाया था, छोटे वाला अभी खा रही है, ये एक दिन बाद उठती है, तो जब अभी खाएंगी ये बैठेंगे इस पे, और ये कल दोबारा फिर उठेंगी। पानी डाल देते हैं।
इधर रख दो, यहीं पे रख दो, आराम से रखते होते हैं, मट्टी वाला है ना ये। ऐसा वो बड़ी मुर्गी को खोल दो। अच्छा उनके लिए मैं दाना खाता हूँ। आप इधर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो बाहर, चलो चलो बाहर, चलो 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 बाहर, चलो 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 जल्दी करिए। देखो ये मुर्गा बिल्ली क्या है, मुर्गे से डरती, छोटे बच्चे हैं ना इसलिए उनसे डर रही है, वो इनसे डर रहे हैं और ये उनसे डर रही है। बिल्ली वाली बाहर आ गई, बैठी कैसे हुई है, मुर्गियाँ पकड़ने के लिए जैसे बैठते ना बिल्ली में, फुल तैयारी में बैठी है। ये गीता छुपी होगी, नो किधर आओ, जाने मुर्गी के पास, जाने जाने मुर्गी के पास, उनको हम ना ये खिलाएंगे, ये फोम बचा हुआ था छिलके, इसके अंदर पानी भी, इसमें ना फीड मिक्स करके डालेंगे। बेटा ये बिल्लियां कैट्स की है, इनकी नहीं है ये, हम इसमें डालेंगे, ये फीड में डाल इसी जगह गर्म होती है और इसमें मिक्स होती ना, ये बड़ी अच्छी बेहतरीन चीज़ बन जाती है। सील को ही हम खिलाएंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें वाइटमिन भी होते हैं, मेडिसिन भी होती है, और वैसे भी थोम इसमें डाल दिया, एक डब्बा में खलोर डाल देता हूँ, इसमें एक और डाल देता हूँ, खा के चली गई वापस, चीनी की दिल्ली वो बैठी है। मैं सील खोलता हूँ, उनको ये डालेंगे, आपको किसने कार्रवाई डाली है, ये देखिए ये हमारा बाहर तैयार हो गया। अभी ये सील को खोलता हूँ, खोल के ये सीधा बाहर कर देंगे। चलो 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 चलो, अभी ये खाते रहेंगे खुद ही ऑटोमेटिकली, थोड़े से चूजे मारे रह गए वहाँ पे, उनको भी डालते हैं खाने खाने। ये जो है ना प्याज वगैरह कटा डला हुआ था, अमरूद के छिलके थे, पत्ती थी, ये मैंने इनको डाल दी। यार मुर्गी बीमारी, आप जमा कर लोगे हैं तो मुर्गी, मैंने इनको कल इंजेक्शन लगाया था लेकिन बहुत वीक हो गई है, ऐसी खड़ी नहीं हो पा रही, इसको हम आज जमा करेंगे और आपको बताएंगे। बिल्ली उधर गई हुई है, कैट किधर है, वहाँ बैठी हुई है, तो किधर ही है, अब वो वाले जाएगी, इनको खोले कि ना खोले, वो डब्बा डब्बे आपको कुछ मारे जो है ना असील उस जगह पर भी हैं, तो मैंने खुद ही नहीं निकाले हुए, क्योंकि उनको मैंने इकट्ठा मुर्गी के साथ रखा, ठीक है, तो मुर्गी हैं इनको हमने ज़्यादा रखा हुआ, ये असील है भी ना लादे इसका रखा है कि आपस में लड़ते थे और एक हम नया मुर्गा लेके आए थे जो अटैच करने के लिए रखा हुआ था, इसको जी इसलिए निकाल रही है। असल में ना मैंने मुर्गियाँ कहते ना जोड़ा लगाना, जोड़ा लगाया, कबूतरों का लोग जोड़ा लगाते हैं, मैंने मुर्गी को ट्राय सेट लगाया हुआ है, तीन मुर्गियाँ और एक मुर्गा है, तो सेटिंग थोड़ी सी बनाई हुई है ताकि वो इकट्ठे होंगे तो उनकी ब्रीड अच्छी बनती है, ब्रीड भी तो बनानी ना, वो एक्स पे फौरन बैठ गई अपनी जगह पे, पोजीशन पे वापस आ गई है। इधर तुम क्या कर रही हो, है हमारी जगह ही नहीं है, चलो शैतान पकड़ लो आप, नहीं पकड़ लो, ये पकड़ता नहीं है वैसे, ये बैठ गई हमारी मुर्गी यहाँ पर, अपने अंडे कवर कर लिए हैं, अभी उसने भी आना है, एक ये बैठेगी आके, ये वाली मुर्गी आके बैठेगी, फिर ये वाली आके बैठेगी मुर्गी, ठीक है, इन दोनों ने बैठना है। वो वाइट मुर्गा चेक करें, पानी पिए जा रहा है, उसे बहुत प्यास लगी है लगता है, ये मुर्गी बीमार है। वो एग्स आपने कलेक्ट किए हैं अहमद, एग्स नहीं है अभी फ़िलहाल, एग्स में सुबह आया था, मैंने एग्स निकाल लिए थे काफ़ी सारे, तो अभी एग्स नहीं है, तो ये अभी देखते हैं इसको क्या करना है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।